मैं इस फेस्टिवल को 11 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं। इन्होंने हमेशा अच्छे हेल्दी सिनेमा को इनकरेज किया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो अवार्ड हैं, ये जो फेस्टिवल है, इस पे किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और ये जो अवार्ड हैं, ना ये बेचे जाते हैं ना ये खरीदे जाते हैं। तो इससे क्या है कि अवार्ड जो हैं एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है किसी के लिए भी। कहा जाता है कि जब तक कलाकार को वाह ना मिले उसके दिल से आह निकलती है। तो अच्छे सिनेमा को इनकरेज करना, हेल्दी होलसम सिनेमा को इनकरेज करना और उनकी पीठ थपथपाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा पिछले 11 साल से जब भी ये फेस्टिवल हुआ है या जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है डिजर्विंग लोगों को दिए गए हैं। तो आखिर में एक शेर पढ़ूंगा जागरण फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड्स के लिए। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और, क्योंकि ये अंडर प्रेशर में नहीं है और ना ये बिकाऊ है। ये हमेशा इन्होंने हेल्दी सिनेमा को इनकरेज किया है, इसलिए दिल की गहराइयों से मैं बहुत आदर करता हूँ। जी जैसा कि अभी भी मैंने कहा कि देखिए फेस्टिवल्स बहुत होते हैं और होने चाहिए, और ये सिनेमा जो होता है ये सिर्फ इस तरह का नहीं कि जिसमें मसाला फिल्म में या कमर्शियल स्टार्स होते हैं, हर तरह की फिल्में देखने को मिलती हैं। और जागरण फिल्म फेस्टिवल अपने आप में अनूठा इसलिए है, अलग इसलिए है क्योंकि ये दर्शकों तक पहुंचता है, ये फिल्म प्रेमियों तक पहुंचता है, शहर शहर ये फेस्टिवल को लेके जाते हैं। और जब ये फेस्टिवल शुरू हुआ, बिल्कुल एकदम पहले साल से तो नहीं पर काफ़ी शुरुआती सालों से मैं इस जागरण फिल्म फेस्टिवल के साथ जुड़ गया था। मेरी कई बार अलग अलग बहुत सारी फिल्में दिखाई गई हैं और अलग अलग शहरों में, और मैंने भी ट्रैवल किया है अलग अलग शहरों में, उसमें मास्टर क्लासेस भी अटेंड किए हैं। और इसमें एक जो खूबसूरती है और सुंदर बात यह है कि इस फेस्टिवल में ये अलग अलग शहरों तक जब पहुँचता है तो वहाँ पर यंग स्टूडेंट्स भी आते हैं और जो फिल्मी प्रेमी रहे हैं, जो इस तरह की फिल्मों को ढूंढते हैं और देखते हैं, उस तरह के भी लोग आते हैं और फिल्म मेकर्स आते हैं, निर्देशक आते हैं, राइटर्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। तो ये अपने आप में जागरण फिल्म फेस्टिवल का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और बहुत सारे फेस्टिवल्स 2-3-4 साल में होकर बंद भी हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि और दैनिक जागरण वालों की मेहनत है, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने सालों से करते आ रहे हैं और हर साल बेहतर बेहतर होता जा रहा है। और मैंने जो देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फेस्टिवल के साथ जुड़ते जा रहे हैं और आशा करता हूं कि ये फेस्टिवल और बड़ा होगा और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और इसी तरह और बेहतर होता जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि हर बार ये दिल्ली से शुरू होता है और कई शहरों से घूमता हुआ बम्बई में आकर इसका समापन होता है और यहाँ पर अवार्ड होती है। और एक और चीज मैंने ये भी देखा है कि इस फेस्टिवल में जो अवार्ड दिया जाता है, जूरी जो अवार्ड तय करती है, वो इस तरह से नहीं होता है कि जिसको मिला अगर वो आएगा तो उसको दिया जाएगा, जो डिजर्व करता है उसको दिया ही जाता है। धन्यवाद। और मैं सभी से आशा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस फेस्टिवल से जुड़े रहे और सबको आज हमारी देवी का शुरू हुआ है, आज पहला दिन है नवरात्रों का, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जिसका नाम हो जागरण, इसका मतलब क्या होता है? जागरण का मतलब होता है जागृति, जीवन की जागृति, समाज की जागृति, देश की जागृति। तो जागरण फिल्म फेस्टिवल का भी जो ध्येय मैंने सुना है और जाना है वो यही है कि हम बच्चे लोग इस तरह की फिल्में बनाए जो हम देश के बच्चों के मानसिकता जो है उसका जागरण कर सकें, उनको जागृति दे सकें कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारी भारतीयता क्या है,
हमारे भारत से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई कथाएं क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि जो भी फिल्म बनाओ उसमें भारतीयता होना बहुत आवश्यक है। भारत ऑडियंस के लिए पिक्चर बना रहे हैं तो भारत से जुड़ी है, भारत की हर कथा से जुड़ी है, चाहे वो नई कथा हो या पुरानी हो। मुझे खुशी है इस तरह का फेस्टिवल करके जागरण वालों ने एक बहुत ही नेक काम किया है। सब आने वाले बच्चों को फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है बनाने का कि आप इस तरह की फिल्में बनाए, और मैं आज उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे छोटे से इस व्यक्ति को भी एक बड़ा सम्मान दिया है, एक आइकॉन ऑफ सिनेमा। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट देते रहते हैं और मेरी लाइफ चलती रहती है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए कि हमारी ऐसी फिल्म में है सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, तो उसके लिए मनोज जी को और मिल रहा है, उसके लिए हम यहाँ आए। बट होता ये कि फिल्म को इतनी स्तर पे सराहना, जो एक अच्छे कंटेंट को और एक अच्छे एक्ट्रेस को जो सराहना मिल जाती है इस फेस्टिवल में, एक अवार्ड मिलने पे या रिकग्निशन मिलने पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हमारे लिए भी एज अ स्टूडियो, जब हम लोग सोचते हैं कि किस तरीके से क्या कंटेंट बनाया जाए जो लोगों को पसंद आएगा, एंड जब उसकी एक एप्रिशिएशन मिलती है, तो इट्स अ रियल बूस्टर फॉर अस। बस एक और मनोज जी के साथ में, सेम टीम के साथ में फिल्म बन रही है भैया जी, जो नेक्स्ट ईयर आएगी, और अटल जी पे फिल्म बनाई हमने पंकज त्रिपाठी जी के साथ, वो भी बस नेक्स्ट ईयर आएगी। बस यही मैंने अभी कहा कि अटल जी के ऊपर फिल्म बन रही है, एंड प्लस भैया जी जो मनोज जी के साथ में सेम बंदा की टीम है, हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अभी शूटिंग चल रही है इसलिए वो आ नहीं पाए यहाँ पे, एंड दैट्स रीजन हम लोग भी यहाँ पे आए हैं। जी मम्मी थोड़ी नर्वस हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इट इज सच अ प्रेस्टीजियस अवार्ड, सच अ प्रेस्टीजियस फेस्टिवल, और हमारी फिल्म चिड़ियाखाना शोकेस हुई थी इस फेस्टिवल में, और हमें जो यू नो अप्रिसिएशन मिला है, प्यार मिला है, वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, एंड थैंक यू टू जागरण फिल्म फेस्टिवल, थैंक यू टू एवरीवन हु केम इन टू सी द फिल्म, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लवली मैसेजेस एंड द वॉर्म्थ। थैंक यू। I can't really talk about them, but there's one show that has really done great for me. It's called Flames, और उसका एक और season आ रहा है, and I know the fans are waiting. I'm also waiting. So hopefully soon, वो भी announce कर पाऊँगा. बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, एंड आई मीन OTT ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, जो ऑडियंस दी है, वो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम करते रहूँ, लोगों को ऑडियंस को हाँ डिसअपॉइंट ना करूँ, और वही है, एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग, आई एम जस्ट हैप्पी विद द अप्रिसिएशन दैट आई एम गेटिंग। थैंक यू के लिए एक अच्छा प्रयास है, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो बहुत कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, और ये एक अच्छी कोशिश होती है फेस्टिवल, और मैं चाहता हूं कि हमेशा इसे अटेंड करूं और सीखूं इससे। थैंक यू जागरण फिल्म फेस्टिवल को और जागरण फिल्म फेस्टिवल की टीम को कि उन्होंने मुझे ये आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा का अवार्ड दिया। ये आप सब भारतीयों की वजह से है, सब दर्शकों की वजह से है जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मेरी फिल्मों को सराहा, और आशा करता हूँ आगे भी मैं खूबसूरत फिल्में बनाता रहूँ, भारतीय फिल्में बनाता रहूँ। धन्यवाद। सर
मेरे हाथों में अवार्ड है, इस पे लिखा एक्टर ऑफ द फेस्टिवल 2023 ऑडियंस चॉइस। जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरी छह फिल्में, मेरे रेट्रोस्पेक्ट दिखाया जा रहा था, मेरी छह फिल्में सारांश से लेकर और अभी एक ना रिलीज होने वाली फिल्म सिग्नेचर थी, शिव शास्त्री बैलपुआ, मैंने गांधी को नहीं मारा, इस तरह की छह फिल्में थी और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले चार दशकों से मुझे दर्शकों का प्यार मिलता जा रहा है और ये कोई आसानी का काम नहीं है। बहुत सारे लोग अपने सपने लेकर इस नगरी में आते हैं और कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉयज, लाइट बॉयज, जिन्होंने अभी तक मुझे इतना प्यार दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। जय हो। नहीं, मेरी दो फिल्में, इट्स इंटरेस्टिंग कि 19 तारीख को कन्नड़ा फिल्म, ओरिजिनल कन्नड़ा फिल्म घोष्ट रिलीज हो रही है और 20 तारीख को तेलुगु फिल्म टाइगर नागेश्वर राव रिलीज हो रही है और दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी हैं, दोनों फिल्में बहुत बड़े सुपरस्टार्स के साथ हैं। डॉक्टर शिवा कुमार जो हैं वो घोष्ट में हैं और रवि तेजा जी जो हैं वो टाइगर नागेश्वर राव में हैं। सिनेमा का धर्म जो भी वो जो प्रतिबिंब था, जो सिनेमा जो छोटा था वो बड़ा हो गया, अभी सब इंडियन सिनेमा है, अभी कोई रीजनल सिनेमा नहीं, कोई साउथ सिनेमा नहीं, कोई नॉर्थ सिनेमा नहीं, कोई मुंबई सिनेमा नहीं, और ये दो फिल्में इस बात को प्रूव करती हैं कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अनुपम सर, ऑन अ लाइटर नोट, अवार्ड आपके हाथ में है, आप अवार्ड्स की गिनती रखते हैं सर? जी, अवार्ड्स की गिनती रखते हैं आप? मेरे अभी मेरे को नया कमरा, मेरे ऑफिस में मेरा पूरा कमरा है जिसमें अवार्ड्स ही अवार्ड्स भरे पड़े हैं, अब मुझे एक नया कमरा बनाना पड़ेगा और मुझे अवार्ड्स हमेशा अच्छे लगते हैं क्योंकि बचपन में सिखाया जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, तो ये सब मेहनत का ही नतीजा है, ऐसे बहुत सारे अवार्ड अच्छे लगते हैं और प्रेरित करते हैं आने वाले जनरेशन को कि अगर आप काम करते रहो। आज के दौर में 40 साल गुजारना बहुत बड़ी बात है, तो और वो सब ऊपर वाले की दया और आपकी मेहनत का नतीजा है। धन्यवाद।